हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस वीडियो से मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पावर सिस्टम वन या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम वन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है जहाँ पे पावर प्लांट होते हैं, फिर वहां से ट्रांसमिट होकर शहरों तक आती है ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से, और शहरों में जो सब स्टेशन होते हैं वहां से इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है कंज्यूमर तक, यानी हम तक आती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों का मैकेनिज्म जो है वो पावर सिस्टम कहलाता है। और ये जो सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है इसका नाम है पावर सिस्टम वन, मतलब तीनों की बेसिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आगे जितने भी पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम टू या एडवांस पावर सिस्टम, वो सब इन्हीं इसी सब्जेक्ट पे बेस्ड है, बिकॉज फंडामेंटल पे सभी बेस्ड है। तो इसका टॉपिक पावर सिस्टम वन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसका टॉपिक का नाम लेक्चर वन जो है, इट इज लेक्चर वन, और इसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। क्योंकि हम यहाँ पावर सिस्टम के बेसिक्स की और उसमें भी स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में नॉर्मल है कि पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन की बात होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेशन होता है उसके ओवरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो साइड हेडिंग है, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर कितने तरीके से जनरेट हो सकती है, सबसे पहले स्टार्टिंग में वही देखेंगे हम, और क्या फंडामेंटल से उससे हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले जो लाइन लिखी है, सेवरल फंडामेंटल मेथड्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मींस हमको पता है कि हीट एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, इन सारी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल्स और डिफरेंट मेथड्स, फंडामेंटल मेथड्स। ओके, तो डिफरेंट मेथड से हम क्या करेंगे, जो दूसरे फॉर्म होते हैं एनर्जी के, ऊर्जा के, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा में हम यहाँ पर कन्वर्ट करना देखेंगे कि कैसे होते हैं। आगे यहाँ पे चलते हैं, देखिए सबसे पहले जो पावर जनरेशन होता है, मेनली जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर हम कंज्यूम करते हैं एज अ कंट्री और एज अ स्टेट, उसमें जो मेजर पावर प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराती है, वो कराते हैं जनरेटर्स। और जनरेटर्स काम करते हैं मूविंग प्रिंसिपल पे, मतलब इनका कोई पार्ट मूव करेगा और वहां से काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह काइनेटिक एनर्जी से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट रोटेशन भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसका शेयर बहुत कम है। और हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसमें मेजर पार्ट है वो है इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स का, मीन्स जहाँ पे मूविंग पार्ट होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या होते हैं, बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर ट्रांसफॉर्म काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो मूवमेंट वाली एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एक जनरेटर में। सॉरी, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें सबसे कॉमन फॉर्म इन जनरेटर्स का ही है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इट कैन बी सीन एक्सपेरिमेंटली बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक मैग्नेट विद इन क्लोज लूप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, मीन्स एक कंडक्टिंग मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टिंग मटेरियल मीन्स एक वायर है, उसका क्लोज लूप है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से उसका क्लोज लूप है, और उसमें एक मैग्नेट, यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल मैंने रख दिया यहाँ, तो इसके रोटेशन, इनमें जो म्यूचुअल रोटेशन होगा, आपस में रिलेटिव मोशन होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें फैराडेज लॉ हमको पढ़ना होगा डीप में, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आप सिंपल समझिए कि जहां भी रोटेशन होगा, रोटेशन में दो चीज होगी, एक तो मैग्नेट होगी, एक मैग्नेट होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मैग्नेट, और दूसरा होगा कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, सो कंडक्टिंग मटेरियल और मैग्नेट वेट, एक मैग्नेटिक मटेरियल और एक कंडक्टिंग मटेरियल, इनके बीच के रिलेटिव मोशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो मेजर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल इलेक्ट्रिकल जनरेशन इज डन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेट में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसके कारण
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इन विच मैकेनिकल एनर्जी फोर्सेस आर जनरेटर टू रोटेट, मींस जनरेटर को रोटेट कराना जरूरी है काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी हमको, और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है। तो जैसे ये लेफ्ट हैंड में दिख रहा है आपको, ये जो पावर प्लांट है, ये जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये थर्मल पावर प्लांट का अंदर का व्यू है। थ्री फेज यहाँ पे जनरेटर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉयलर में पानी को गर्म करते हैं, हीटअप करते हैं, और उसके बाद जो स्टीम जनरेट होती है बहुत ही हाई स्पीड स्टीम होती है, उससे हम टर्बाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराते हैं, और ऐसे ही वहां पे काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती है, कहां पर, थर्मल पावर प्लांट। ऐसे ही दूसरा राइट हैंड साइड पे देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे नदी वगैरह आ रही है, कोई भी बड़ी सी नदी है वहां से पानी फ्लो होता है, तो उसको हम डैम्स की हेल्प से या बांध की हेल्प से उस पानी को रोकते हैं, और फिर उसके हाई फ्लो से हम टर्बाइन को रोटेट कराते हैं, और यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। मीन्स ये जो दो मेजर पावर प्लांट है, इसमें पहला है थर्मल पावर प्लांट और दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन दोनों से ही हमको मेजरली इलेक्ट्रिसिटी मिलती है फॉर कमर्शियल यूज, फॉर बल्क यूज। आगे बात करते हैं कि और जो दूसरे फॉर्म से वो कौन कौन से हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल मीन्स, देखिए यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मीन्स केमिकल के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, पर ये बहुत ही मोबाइल एप्लीकेशन या बहुत ही स्मॉल एप्लीकेशन के लिए यूज होती हैं, बहुत बल्क में ये इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए जो सेल वगैरह होते हैं वो आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट साइज में टॉर्च को या बहुत सारी चीजों को मोबाइल की बैटरी वगैरह चलाने में यूज होते हैं, तो वहां पे केमिकल एनर्जी की बात होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए एक बार, इलेक्ट्रिसिटी इज द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी एज इन अ बैटरी। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज द डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, मीन्स जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना एज अ बैटरी। ओके, तो जो भी केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, और यही जो पावर है इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है। आगे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज इम्पॉर्टेंट इन पोर्टेबल एंड मोबाइल एप्लीकेशन, जैसा मैंने आपको बताया छोटी एप्लीकेशन, मोबाइल मीन्स जो हमको कैरी करना होता है यहाँ से वहाँ, एक जगह प्लेस नहीं होती, ऐसी एप्लीकेशंस में इस तरीके की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं। करेंटली मोस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल पावर कम्स फ्रॉम बैटरी। ओके, सो बैटरीज आपने देखा होगा बल्ब में होती है बैटरीज नॉर्मली, जो पहले तो हम बैटरी की बात करेंगे, प्राइमरी सेल जो कि रिचार्जेबल नहीं होते, जो आपने टॉर्च की एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, तो उसमें जो हम बैटरी डालते हैं या टॉयज में जो बैटरी डालते हैं, सेल्स डालते हैं, वो एक बार ही यूज कर सकते हैं उसको, प्राइमरी सेल अगर होते हैं तो, सच एज कॉमन जिंक कार्बन बैटरीज। तो ये बहुत कॉमन बैटरी है जिंक कार्बन बैटरी, ये एज अ पावर सोर्स काम करती है हमारे लिए। आप देखिए यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे इसका टाइप है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी सेल जो होता है उसको रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन कॉमनली सभी यूज कर रहे हैं, आप उसको रिचार्ज करते हैं, उसको चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी एक बैटरी है जिसको आप क्या करते हैं, बार बार उसको चार्ज करके उसको यूज कर सकते हैं, तो ये सेकेंडरी हो गई, मतलब समझ गए ना आप, प्राइमरी मीन्स जिसको एक ही बार चार्ज करके यूज एंड थ्रो, ठीक है, मीन्स वो एक ही बार उसको यूज कर सकते हैं, बहुत दिन तक चलती है वो, बल्ब है टॉयज वगैरह हैं उनको, फिर आपको दूसरी बैटरी इसमें डालनी पड़ती है। लेकिन मोबाइल जैसे हो गया, या फिर आजकल टॉयज में भी कुछ बैटरीज ऐसी आ गई हैं जिनको आप उसको फिर से रिचार्ज, उसको फिर से चार्ज कर सकते हो, अगेन रिचार्ज कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, तो ये सेकेंडरी जनरेशन हो गया। ओके, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम हमारा कहलाएगा। अब एक और बात यहाँ पे आ रही, कुछ फ्यूल सेल्स भी होते हैं, इसको और डीप में टॉपिक को आपको आगे पढ़ना होगा, तो कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसको फ्यूल सेल बोलते हैं, और यहाँ पे भी पावर आपका उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, आइदर फॉर्म नेचुरल फ्यूल और फॉर्म फ्यूल भी दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरली अवेलेबल है, ओके, और दूसरा सिंथेसाइज्ड, मीन्स उसको बनाया गया फ्यूल है, उससे भी हम इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं। तो
मोटी मोटी बात ये हो गई कि जो दूसरा टाइप हो गया हमारा वो कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मींस सेल। और सेल में दो, एक प्राइमरी जो कि एक ही बार काम कर सकते हैं, उनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, डबल से चार्ज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी जिनको आप बार बार रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का टाइप। इसको आप छोटी एप्लीकेशन में इन इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं, आप इसको बल्क एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। आगे और बढ़ते हैं हम थर्ड टाइप पे। देखिए कन्वेंशनल पावर प्लांट तो हो गए और ये भी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल भी हो गया। नाउ दिस वन, यहाँ पे आते हैं फोटोवोल्टाइक एनर्जी। इसके बारे में बहुत बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। फोटोवोल्टाइक एनर्जी जनरेशन, देखिए जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पे कोल लिमिटेड है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो वाटर फ्लो है वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे में हमारे पास ऐसे सोर्सेज भी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के जो हमको पैरेलली और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सके। उसमें एक फोटोवोल्टाइक एनर्जी है, ओके, जिसमें आप क्या करते हैं, जो सनरेज होती है उसको आप उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सनलाइट को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ओके? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट का मतलब ही होता है कि जो लाइट है, जो सोलर एनर्जी है, जो धूप हम देखते हैं दिन में, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। एज इन सोलर सेल्स, फोटोवोल्टाइक पैनल कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली टू डीसी इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए रूफ पे आजकल बहुत यूज हो रहे हैं सोलर पैनल्स, आपने छोटे सोलर पैनल्स भी देखे होंगे कुछ कुछ घर में, वहां भी टॉर्च और ये लैंप वगैरह के लिए यूज होते हैं, और बड़े बड़े पैनल्स भी यूज होते हैं घरों की रूफ पे या कमर्शियल बिल्डिंग की रूफ पे या खेतों में ओपन एरिया में। इस तरीके से ये आपके देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका सोलर पैनल दिख रहा है लेफ्ट में। ये सोलर पैनल क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रिसिटी, इस पे जो सनरेज है यहाँ पर आएगी, ड्रॉप करेगी और ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और ये डीसी एनर्जी जनरेट होती है। और डीसी एनर्जी, क्योंकि हमारे घर के अप्लायंसेस एसी एनर्जी से काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर इसको इन्वर्ट करके एसी एनर्जी में कन्वर्ट, मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हुई वो कौन सी, डीसी हुई। अब आगे देखिए, पावर इन्वर्टर कैन, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर इन्वर्टर्स कैन कन्वर्ट दैट टू एसी इलेक्ट्रिसिटी इफ नीडेड, मीन्स हमको अगर एसी चाहिए तो हम उसको एसी में कर सकते हैं, डीसी में ये जनरेट करेगा, और हम इन्वर्टर के हेल्प से, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से नॉर्मली ऐसा ही होता है जब घर पे भी आप सोलर पैनल लगवाते हैं। ऑल्दो सनलाइट इज फ्री, हमको पता है कि सनलाइट फ्री है और बहुत है, अबंडेंट है, बहुत ज्यादा भी मिलता है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा मिलता ही हमको सोलर एनर्जी, धूप बहुत दिनों तक रहती है और बहुत घंटों में, एक दिन में बहुत समय तक भी रहती है। सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल यूजुअली मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस पावर ड्यू टू कॉस्ट ऑफ पैनल्स। देखिए यहाँ सोर्स तो बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन ये जो पैनल्स यहाँ पे बने हैं ना, ये इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और इनका मेंटेनेंस भी एज कम्पेयर टू अदर अप्लायंसेज इतने रोबोस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इसकी कॉस्ट मेनली, इसका जो रीजन है इन पैनल्स की कॉस्ट, इसके कारण ये बहुत महंगा पड़ जाता है हमको, और इसीलिए इसका इतना ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे थे अभी तक। बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दैट सोर्सेज लाइक कोल एंड वाटर फ्लो, हमको अभी इलेक्ट्रो इस तरीके के फोटोवोल्टाइक एनर्जी में जाना पड़ रहा है, सोलर एनर्जी में जाना पड़ रहा है। इसके आगे और बहुत सारी एनर्जी तो मैंने मेजर बताया आपको इस लेक्चर में, यहाँ पे और आगे भी देख लेते हैं। एडवांसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी एंड फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, तो जैसे जैसे एडवांसेस होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका यूज बढ़ता जा रहा है। कंबाइंड विद सब्सिडाइज ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल कंसर्न हैव ड्रामेटिकली एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पैनल्स, मींस जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है आपको सस्ते में पड़ जाए ताकि आप उसको यूज करें, और जो हमारे बाकी सोर्सेज हैं जो कि एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे लाइक कोल, उसको हमको कम यूज करना पड़े। इसलिए हम देखिए ये मैंने मेजर आपको बताए इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के टाइप्स, लेकिन इसके ऐसा नहीं, इसके बाद बहुत सारे टाइप्स हो रहे हैं, वी कैन गो इन डिटेल ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि ये आपको ठीक लेक्चर लगा तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको और फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के और टाइप्स भी बताऊंगा, जैसे अभी विंड एनर्जी रहेगी इस तरीके से, और लेकिन मेजर टाइप्स जो हैं वो शेयर वाइज ऐसे ही चल रहे हैं। सबसे ज्यादा शेयर है इलेक्ट्रिकल
जनरेटर का, फिर ये फोटोवोल्टाइक एनर्जी का, और ये फिर सोलर सेल का। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मेनली जनरेट होती है फॉर अवर यूज। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज बताइए, और इस लेक्चर को लाइक करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।